उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का फजलो करम होगा, अल्लाह ताला का हम पे भी फजलो करम है। बहुत शुक्र है मेरे मालिक का अपनी पनाह में रखे। तो आज एक बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी गोला कबाब, चिकन के गोला कबाब। गोला कबाब बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये तकरीबन 1.5 पाव चिकन है, बोनलेस है, इसको अच्छी तरह वाश कर लिया। 2 मैंने बड़े प्याज ले लिए हैं, उसको काट लिया है। प्याज ज़्यादा ले रही हूँ, इससे बहुत ही जूसी किस्म के और टेंडर बनेंगे हमारे गोला कबाब। धनिया और पुदीना दोनों मैंने मिक्स करके उनको कटिंग कर लिया है, देख रहे हैं। आधा चम्मच जो है मैंने साबित धनिया ले लिया है और आधा ही चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया जो है जो साबित पड़ा है इसी को पाउडर फॉर्म में ले लिया है आधा चम्मच। आगे है जी 3-4 लहसुन है और थोड़ा सा अदरक है, काट लिया है। हसबे ज़रूरत नमक है। अब 3 हरी मिर्ची हैं, काट ली हैं। आधा चम्मच सुरख मिर्च है और आधे से कम है कुटी हुई सुरख मिर्च। अब ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर मिक्स कर लेनी है और इसको हमने चॉपर में या फूड प्रोसेसर में अच्छी तरह से चॉप करके बारीक फॉर्म में कर लेना है। तो करते हैं, देखें हमने सारा मटेरियल उसके अंदर डाल लिया फूड प्रोसेसर में। अब हम इसको बिल्कुल बारीक फॉर्म में कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल बारीक फॉर्म में हो गया है, ये देखें कबाब का मटेरियल। अब हम इसे गोला कबाब बनाते हैं। पहले हम इसको स्मोक देते हैं थोड़ा सा। देखें व्यूअर्स हमारा कितना अच्छा माशाल्लाह मटेरियल रेडी हो गया है। अगर आपको कभी लगे कि हमारा मटेरियल पतला हो गया है तो ये भी थोड़ा सा पतला है, ये देखें सॉफ्ट है। तो इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे, ना भी डालेंगे तो इसको मैं फ्रीजर में रखूँगी आधा घंटा आफ्टर स्मोक, तो ये खुद ही बैलेंस हो जाएगा। अब ये हमने छोटी सी कटोरी ली है, कोयला मैंने रख दिया है, ये एक कोयला मैंने अच्छी तरह चुगा लिया है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है, ये देखें ऑयल डालने से इसके ऊपर स्मोक आ गया और अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर कर देना। हमने ये चिकन का जो मटेरियल था कबाब का उसको आफ्टर स्मोकिंग हमने इसको फ्रीज़र में रखा था 10-15 मिनट के लिए। अब ये देखें कितना स्टेबल हो गया। अब मैंने ऑयल लगाया हाथों पे और इसके हम गोल गोल से बॉल बनाते हैं, चूँकि हम बना रहे हैं गोला कबाब। इस तरह हमने सारे बना लेने हैं गोल गोल फॉर्म में और इनको हमने 10 मिनट के लिए अगेन फ्रीज़र में रख देना ताकि मज़ीद स्टेबल हो जाए और फिर हम इसमें होल करेंगे। इस तरह हमने गोला कबाब गोल फॉर्म में बना के फ्रीज़र में मज़ीद 10 मिनट रखने हैं और फिर इंशाल्लाह ताला आफ्टर 10 मिनट्स हम आपको दिखाते हैं कि किस फॉर्म में आ गए। देखिए व्यूअर्स हमने इस तरह से कबाब बना लेने हैं। गोला कबाब हमने बनाए थे फ्रीज़र में रखे थे, अब ये स्टेबल हुए गए हैं। अब हमने कोई भी पाइप ले लेना है, देखिए, और हमने ये गोला कबाब उठाना है, इसको राउंड फॉर्म में करना है और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्ट्रा जो है इसके सेंटर से हमने गुजारना है और इसको थोड़ा सा मूव करके इसको अगेन जो है हमने गोल फॉर्म में कर लेना है। ये देखें आप, ये देखें, अब ये आराम से हमारा इसके अंदर होल आ जाएगा और आराम से हमारा ऑयल निकल जाएगा इसके अंदर से। और इस तरह ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी पुदीने की चटनी के साथ खाइएगा। और ये सिजलिंग फॉर्म में इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने लाऊँ। और इस तरह हमने ये सारे कर लेने हैं, हमारा गर्म हो रहा है, ये देखिए हमने सारे कबाब इसमें डाल देने। बिस्मिल्लाह, कोशिश हमने करनी है हमारे गोल फॉर्म में हो क्योंकि गोला कबाब है, तो इसी तरह हमने सारे डाल देने हैं। देखिए व्यूअर्स हमारे कितने अच्छे गोला कबाब रेडी हो रहे हैं। इसी तरह हमने इनको पलट देना है, लेकिन फ़ौरन से नहीं पलटना है इनको, हमने थोड़ा सा 4-5 मिनट का देना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो आप चूल्हे को थोड़ा स्लो कर दो ताकि ये जले ना ऊपर से। अब ये प्योर हमारे चिकन से बने हैं, इसके अंदर मैंने ना तो ब्रेड डाली है ना आलू डाला है, इसके अंदर जो भी डाला है आपके सामने है। इससे इंशाल्लाह ताला इसका बहुत ही स्पाइसी सा फ्लेवर आएगा। कभी खाना सालन खाने को दिल नहीं करता तो आप ये फ्रिज में बना के रख लें। व्यूअर्स ये वाले कबाब जो हैं आप तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के लिए आप एक जिप बैग में डाल के तो इसको आप फ्रीज कर सकते हैं और इसी तरह आप रख लें, जब चाहें आप ट्राई कर लें। कितने अच्छे हमारे गोला कबाब रेडी हो रहे हैं, आपने चारों साइडों से इनको पकाना है। ये देखिए इस तरह हमने इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करते जाना है ताकि ये पूरी तरह से फ्री पक जाए
और वैसे भी ये बहुत बारीक फॉर्म में है, ये फ़ौरन ये टेंडर है बिल्कुल और ये पक जाएगा। तो इस तरह हमने इसको पलट पलट के हर तरफ से कर लेना है। देखिए मैंने एक तवा लिया है, उसको गर्म कर लिया, प्री हीट कर लिया और उसके ऊपर मैंने कोई भी सीजनिंग पैन है आपके पास तो वो रखने, अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और ये हमारे देखने कबाब रेडी हो रहे हैं, गोला कबाब। हर तरफ से पका रही हूँ ताकि कोई कच्चा पान ना रहे और आपको इसकी लुक नज़र आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, खुद ही नहीं करती, नहीं तो मैं इसको डीप फ्राई भी कर सकती थी। डीप फ्राई जो है ना वो उससे बचें तो बेहतर है, आप शैलो फ्राई में करें और इससे भी हमारा काम चल सकता है। ये देखिए ये हो व्यूअर्स, देखें हमने ये प्याज इसके ऊपर रख लेना, इसको तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट पकने देना है। कुछ लोग सैलड यूज़ करते हैं फ्राई फॉर्म में, तो उसके लिए ये मैं बना रही हूँ। अब इसी के साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल देते हैं ताकि इसका भी हमारा जूसी फ्लेवर आ जाए। अभी आगे नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ आपको। देखिए व्यूअर्स हमारे गोला कबाब कितने अच्छे रेडी हो गए हैं, आप देखें इनकी लुक देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें हर तरफ से पक गए हैं। अब हमारा सीजनिंग पैन जो है वो रेडी है। मेरी ये रेसिपी प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसके ऊपर डालते हैं और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखिए और बी केयरफुल, आपने ये ध्यान से करना है। बिस्मिल्लाह, अब ये हमने इसके अंदर डालना है। देखें व्यूअर्स हमारा कितना अच्छा स्मोक निकल रहा है, देखें और कितना सिजलिंग फॉर्म में आपको मैंने गोला कबाब दिखाए हैं, बनाइएगा, इंतहाई जूसी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो अभी आपको ये मैं इंशाल्लाह ताला इससे आगे और भी कबाबों की बहुत सी रेसिपीज इंशाल्लाह बताती जाऊंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे। तो इसी फॉर्म में बनाइएगा। तो अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स हमारे कितने अच्छे सीजनिंग साउंड आपको आ रही है और इतने ही ये टेस्टी होंगे। बस आप ये देखिए माशाल्लाह, आप इनको बनाइएगा ज़रूर। ये न्यू फॉर्म में मैंने आपको दी है रेसिपी, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को टेस्ट के हिसाब से। अब देखिए ये जो लेमन जूस है ये देखिए इसी के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है। तो चलिए डिश आउट करते हैं, अगेन बता रही हूँ आपको डिश आउट करते हैं। देखें व्यूअर्स हमारे माशाल्लाह गोला कबाब रेडी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है करम है, बहुत ही जूसी बनी है। और लेमन जूस डालने से, सिजलिंग देने से, जो इसका मैंने दिया लुक सिजलिंग, उससे इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। बनाएं घर में और इंशाल्लाह जब बना के रखेंगे सभी तारीफ़ें करेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखें। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं नई से नई रेसिपीज़ पे और ज़्यादा मेहनत करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो इजाज़त लेती हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपनी पनाह में रखे। तो जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फी अखलिका व मालिका।